स्टूडेंट्स, सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम महात्मा गांधी का जो बचा हुआ पोर्शन है, क्योंकि एक वीडियो बेसिक से हम पूरा नेशनल जीके के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम हरियाणा के अंदर महात्मा गांधी हरियाणा में कब आए थे, कब वो भिवानी के अंदर आए, कब रोहतक के अंदर आए, तो यानी कि हरियाणा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम रिवाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो, महात्मा गांधी जब दक्षिणी अफ्रीका से भारत में लौटे थे तो ये कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 में। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में कहाँ से लौटे थे, दक्षिणी अफ्रीका से भारत में लौटे थे, और इसी वजह से 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब ये 9 जनवरी को ना हमें रिलेट करना है जब ये महात्मा गांधी पानीपत के अंदर आएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी पानीपत में 9 दिसंबर को आएंगे, तो यानी कि 9 जनवरी इसीलिए याद रखना है ताकि हम 9 दिसंबर को भी रिलेट रख सकें। अब यहाँ पर महात्मा गांधी की जो मेन शुरुआत होती है हरियाणा के अंदर, नेशनल के अकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ हरियाणा के अंदर इसकी बात हो रही है, तो हरियाणा के अंदर जब 18 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था, इसी रोलेट एक्ट के लिए हरियाणा के अंदर भी हड़तालें शुरू हुई थी, और इसी 18 मार्च 1919 के रोलेट एक्ट की वजह से गांधी जी के द्वारा, और जब गांधी जी को स्वामी सरदानंद के द्वारा हरियाणा में यानी कि पंजाब में बुलाया गया था, क्योंकि उस समय पर हरियाणा किसका हिस्सा होता था, पंजाब का। 18 मार्च 1919 के रोलेट एक्ट की वजह से हरियाणा के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी हड़ताल की घोषणा हुई थी, और ये घोषणा कब हुई थी, 30 मार्च 1919 को, लेकिन बाद में ये पोस्टपोन कर दी गई थी, और कब पोस्टपोन की गई थी, 6 अप्रैल 1919 को। हड़ताल दोनों के दोनों दिन हुई थी, पहले तो कौन सी तारीख निर्धारित की गई थी, 30 मार्च को, लेकिन बाद में पोस्टपोन करके कौन सी तारीख रखी गई थी, 6 अप्रैल को। इसी 6 अप्रैल 1919 की वजह से महात्मा गांधी स्वामी सरदानंद के बुलाने पर, स्वामी सरदानंद के बुलाने पर बंबई से कहाँ के दौरे पर चले, बंबई से दिल्ली और पंजाब के दौरे पर निकले। दिल्ली और पंजाब यानी कि इसी पंजाब के अंदर क्या शामिल है, हरियाणा भी शामिल है। बंबई से दिल्ली और पंजाब के दौरे पर चले। जब महात्मा गांधी 8 अप्रैल 1919 को पलवल स्टेशन पर पहुँचे, यहीं से अंग्रेजों को पता लगा कि महात्मा गांधी इसी रोलेट एक्ट के विरोध में भारतीयों का नेतृत्व करेंगे, और कहाँ पर, पंजाब के अंदर। पंजाब में कहाँ पर, पलवल के अंदर, क्योंकि पलवल अभी करंट में हरियाणा के अंदर है, लेकिन ये बात हो रही है 1966 से पहले की, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं किसका नाम ले रही हूँ, पंजाब का, लेकिन पंजाब में वो जंग है कौन सी है, पलवल। 8 अप्रैल, अब देखो ये तारीख कंफर्म नहीं है, आपको बहुत सारी बुकों के अंदर 8 अप्रैल भी लिखा मिल सकता है और 10 अप्रैल भी लिखा मिल सकता है, और जब हरियाणा एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था तब उसमें ना तो 8 तारीख लिखी हुई थी ना 10 लिखी हुई थी, उसमें ऑप्शन लिखा हुआ था अप्रैल 1919 में। और यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, महात्मा गांधी की पहली बार गिरफ्तारी भारत से, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में 1908 में गिरफ्तारी हो चुकी है महात्मा गांधी की, ये बात हो रही है भारत में। भारत में महात्मा गांधी हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार हुए थे, पलवल से। कब हुए थे, अप्रैल 1919 में। इसके अलावा भी महात्मा गांधी हरियाणा के किस किस जिले के अंदर आए थे, अगर हम बात करें 22 अक्टूबर 1920 में, 22 अक्टूबर 1920 में महात्मा गांधी हरियाणा के किस जिले में आए थे, भिवानी में, और इसी भिवानी जिले के अंदर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन पर भाषण दिया था, और हिंदी में भाषण दिया था, और इसी भाषण के अंदर पहली बार महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को
अंग्रेज सरकार को किस नाम से पुकारा था? शैतान सरकार के नाम से। 22 अक्टूबर 1920 के अंदर महात्मा गांधी कहां पर आए थे? हरियाणा के भिवानी के अंदर। इस भिवानी के अंदर महात्मा गांधी ने किस भाषा में भाषण दिया था? हिंदी भाषा में। मुद्दा क्या था? असहयोग आंदोलन, कि अगर हम चाहते हैं तो हम अंग्रेजों का असहयोग, मतलब सहयोग ना करें, सपोर्ट ना करें, तो असहयोग आंदोलन पर। और इसी भाषण के अंदर महात्मा गांधी ने पहली बार अंग्रेज सरकार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? शैतान सरकार का। फिर धीरे धीरे आम प्रचलन में, आम बोलचाल भाषा में अंग्रेजों को क्या कहा जाने लगा था? शैतान सरकार। इसके अलावा महात्मा गांधी भिवानी के अंदर ही दूसरी बार कब आए थे? 15 फरवरी 1921 में। और यहीं पर इसी भिवानी के अंदर, ये भी कहां पर थे? भिवानी के अंदर एक रूरल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके अंदर पहुंचे थे। यहाँ पर अंबाला डिवीज़न पर कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके मुद्दे पर पहुंचे थे। यहाँ पर रूरल कॉन्फ्रेंस के जरिए महात्मा गांधी भिवानी में पहुंचे थे। अब यहाँ पर महात्मा गांधी ने दो वाक्य बोले थे कि अगर हम अंग्रेज सरकार को हराना चाहते हैं या फिर उनके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, और वो दो रास्ते क्या हैं? एक तो तलवार और दूसरा असहयोग करना, मतलब बिल्कुल भी सपोर्ट ना करना, शांतिपूर्ण असहयोग करना, और दूसरा रास्ता क्या है? तलवार। महात्मा गांधी पहली बार हरियाणा में पलवल, कब? अप्रैल 1919। महात्मा गांधी पलवल के अलावा कहां पर गए? 22 अक्टूबर 1920 में अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस में भिवानी में। किस भाषा में भाषण दिया? हिंदी भाषा में। मुद्दा क्या था? असहयोग आंदोलन। अंग्रेजी सरकार के लिए महात्मा गांधी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? शैतान सरकार का। दूसरी बार भिवानी में महात्मा गांधी कब आए? 15 फरवरी 1921 में। अभी वो हरियाणा के अंदर ही है, अभी 15 फरवरी को भिवानी में, उसके बाद 16 फरवरी 1921 में महात्मा गांधी कहाँ पर गए? कलानूर। कलानूर मतलब ये लगभग किसके नज़दीक पड़ता है? रोहतक के नज़दीक, कलानूर। उसके बाद 17 फरवरी 1921 में महात्मा गांधी कहाँ पर गए? रोहतक में। देखो डेट भी याद रख सकते हैं हम, एक सीक्वेंस में है। 15 फरवरी 1921 भिवानी, 16 फरवरी 1921 कलानूर रोहतक के नज़दीक गए, और फिर 17 फरवरी 1921 के अंदर कहाँ गए? रोहतक में। इसके अलावा अब महात्मा गांधी थोड़ा सा, देखो यहाँ तो सीक्वेंस में थी 15 तारीख 16 तारीख 17 तारीख, लेकिन अब थोड़ा सा आगे चले गए 8 मार्च 1921 में। 8 मार्च 1921 में महात्मा गांधी कहाँ पर पहुँचे? अंबाला में। और यहाँ पर अंबाला में पहुँचने के बाद उन्होंने एक वाक्य बोला था, और वो वाक्य क्या था? कि मैं इस जैसे, मतलब इस जैसे स्थानों पर, शायद हो सकता है ये मेरा आखिरी हो, लेकिन मैं इस जैसे या यहाँ पर आने की दोबारा भी आशा रखता हूँ। लेकिन वो पहुँचे कब थे? डेट याद रखनी है, 8 मार्च 1921 में महात्मा गांधी कहाँ पर गए थे? अंबाला। और लास्ट पॉइंट, अब देखो ये ना इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं हम, पूरी डिटेल नहीं, जो हरियाणा एसएससी या एसएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो पॉइंट हम पढ़ेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी 9 दिसंबर 1947 के अंदर कहाँ पर पहुँचे थे? पानीपत। क्योंकि ज़्यादातर 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, लगभग जितने भी मुसलमान थे वो कहाँ पर जाने लगे थे? पाकिस्तान के अंदर। और सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ पर रहते थे? पानीपत के अंदर। इसी वजह से महात्मा गांधी को पानीपत में बुलाया गया था मुसलमानों को रोकने के लिए, कि जैसे यहाँ पर हिंदू रहते हैं, बाकी अदर
कैटेगरी रहती है यहाँ पर, वैसे ही मुसलमानों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो इसीलिए आपको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कब आए थे? 9 दिसंबर 1947 में। इसी 9 दिसंबर से हमें कौन सी तारीख याद रखनी है? 9 जनवरी 1915। तो ये था सिर्फ हरियाणा का, बाकी जितना भी था नेशनल जीके के अकॉर्डिंग वो हम लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। एक तो हमें इसके अंदर याद रखना है 9 जनवरी 1915, दूसरा 18 मार्च रोलेट एक्ट को याद रखना है। इसी एक्ट की वजह से हड़ताल की घोषणा कब हुई थी? 30 मार्च को। आगे पोस्टपोन कब के लिए की गई थी? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल के अंदर स्वामी सर्वानंद के द्वारा महात्मा गांधी को बंबई से कहाँ के लिए बुलाया गया था? दिल्ली और पंजाब के लिए। और फिर यहीं से जब महात्मा गांधी दिल्ली और पंजाब के दौरे पर थे, पलवल में पहुँचे थे, अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था और वापस बंबई भेज दिया गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी 22 अक्टूबर 1920 भिवानी, 15 फरवरी 1921 भिवानी, 16 फरवरी 1921 कलानौर, 17 फरवरी 1921 रोहतक और 8 मार्च 1921 अंबाला, और लास्ट 9 दिसंबर 1947 कहाँ पर थे? पानीपत में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।